principles of systematics module 112 stratified sampling stratified sampling is basically a type of probability sampling in this type of sampling we divide our population we divide our our target population into various groups we call these groups strata or फिर ये जो ग्रुपिंग है ये जो स्ट्रेटा हमने बनाए हैं उसमें से सैंपल की सिलेक्शन रैंडमली करें यानी हम वी डिवाइड आवर पॉपुलेशन इनटू वेरियस ग्रुप्स आर स्ट्रेटा एंड देन वी सिलेक्ट आवर सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा रैंडमली फॉर एग्जांपल हम मुख्तलिफ जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जो स्मोकिंग की हैबिट है ये किस एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स के अंदर ज्यादा है अब हम तीन एज ग्रुप बनाते हैं एक एज ग्रुप ऐसा है जो एक से बीस तक है दूसरा एज ग्रुप ट्वेंटी वन से फोर्टी का है और थर्ड एज ग्रुप फोर्टी वन से अब तो हमने क्या किया हमने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट स्ट्रेटा के अंदर डिवाइड कर लिया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहां पे जो हमने क्राइटेरिया रखा वो एज था तो एज की बेस के ऊपर हमने तीन कैटेगरी बनाई अब क्योंकि हर ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर ग्रुप के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं हम तमाम इंडिविजुअल्स का डाटा रिकॉर्ड करें फॉर एग्जाम्पल हम लाहौर की पॉपुलेशन के ऊपर अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो यह पॉसिबल नहीं है कि हम लाहौर के तमाम इंडिविजुअल्स का डाटा रिकॉर्ड करें तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे इनटू वेरियस ग्रुप और स्ट्रेटा बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया जैसा कि हमने एज ग्रुप की बेस के ऊपर डिवाइड किया फिर हम रेंडमली लाहौर की जो मुख्तलिफ कॉलोनीज हैं या लाहौर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वहां से हम रेंडमली फॉर एग्जाम्पल वन थाउजेंड वन थाउजेंड वन थाउजेंड का डाटा कलेक्ट करते हैं वन थाउजेंड हम एक से बीस जो है उस एज के इंडिविजुअल्स का डाटा कलेक्ट करते हैं उनमें से कितने स्मोकिंग करते हैं कितने स्मोकिंग नहीं करते इसी तरीके से ट्वेंटी वन से फोर्टी तक वन थाउजेंड का डाटा लेते हैं उसमें से कितने स्मोकर हैं कितने नॉन स्मोकर हैं इसी तरीके से फोर्टी वन और अब तो इस किस्म की जो सैम्पलिंग है इसको स्टेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लांट्स के ऊपर कैसी है हम क्या करते हैं प्लांट को डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट हम ये कहते हैं कि एक सेंटीमीटर से पांच सेंटीमीटर की हाइट पर जो इंसेक्ट्स हैं उनका एक ग्रुप बना लिया छह से दस सेंटीमीटर तक जो इंसेक्ट्स पौधे के ऊपर मौजूद हैं उनका एक और ग्रुप बना लिया इसी तरीके से हमने इलेवन से अब जो हाइट पर इंसेक्ट्स मौजूद हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लिया तो हमने क्या किया हाइट की बेस के ऊपर हमने पौधे को डिफरेंट स्ट्रेटा के अंदर डिवाइड कर लिया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया अब एक फील्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उन तमाम का डाटा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम क्या करते हैं रैंडमली हम कोई से हंड्रेड प्लांट सेलेक्ट करते हैं और उन हंड्रेड प्लांट से हम एक से पांच सेंटीमीटर से भी डाटा कलेक्ट करते हैं छे से दस सेंटीमीटर का डाटा भी कलेक्ट करते हैं और इलेवन से अबव का भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं और हम ये पता चलाते हैं कि मुख्तलिफ जो हाइट्स हैं उसके ऊपर किस किस्म के इंसेक्ट पाए जाते हैं इसी तरीके से हम पॉपुलेशन को वेट के हिसाब से उसके आईक्यू लेवल के हिसाब से या फिर किसी और क्राइटेरिया की बेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं तो जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है इसके अंदर हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स और ये जो ग्रुप्स हैं इनको स्ट्रेटा का नाम देते हैं देन वी कलेक्ट अवर सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा फ्रॉम ईच ग्रुप रैंडमली यहां पे रैंडम सिलेक्शन इस वजह से की जाती है ताकि बाइसनेस ना आए